ये हादसा नहीं सड़क पर हत्या है। ये सड़क के आतंकी की करतूत है। सड़क पर खड़े खड़े जान जा सकती है। गलती किसी की, मौत किसी और की। कोई भी कहीं से ले सकता है जान। सड़क पर दौड़ने वाले आतंकी से बच के। ये तस्वीर पुणे की है। एक महिला कार ड्राइवर ने 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से फुटपाथ पर खड़ी मां बेटी की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 लोग डिवाइडर पर खड़े थे और सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हैं। उसी वक्त एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ गई और 5 लोगों को कुचल दिया। कार एक महिला चला रही थी। जहां से हादसा हुआ उसी सड़क के दूसरी ओर एक दुकान की सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। हमारे रिपोर्टर ने उसी सीसीटीवी से वीडियो हासिल किया है। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं था। कार चलाने वाली महिला ड्राइवर के मुताबिक गर्मी की वजह से वो कार में बेहोश हो गई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे को लेकर फिलहाल किसी गवाह या एक्सपर्ट का बयान हमारे पास नहीं है। यह हादसा कल का है। सवाल यह है कि आखिर सड़क पर तेज रफ्तार कार चलाने वालों पर कंट्रोल कब होगी? कब तक सड़क पर ऐसे ही लोगों की जान जाती रहेगी? दोनों परिवार ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक सड़क के बीच सुरक्षित जगह पर खड़े थे और रोड पर ट्रैफिक कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही हादसा हो गया। साफ है कि सड़क पर चलते वक्त दूसरों की गलती का शिकार मासूम लोगों को होना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दयानंद धोमे जुड़ गए हैं, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। दयानंद साहब, जिस वक्त यह हादसा हुआ उस महिला बता रही कि वो बेहोश हो गई थी, कि लेकिन क्या जांच में भी इस तरह की बात सामने आई है? हाँ, वो तो कोर्ट ने हम जब मेडिकल में भेज दिया था ना पुणे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने लिख के दिया था अनकॉन्शियस है करके। तो कितनी देर तक महिला बेहोश रही और क्या ये बेहोशी की वजह से ही हादसा हुआ या तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ? ना, तेज तो होगा ना, तेज तो गाड़ी होगी ना, वीडियो मिला है, तेज तो चल रही थी गाड़ी। सर, आप लोगों को इस पूरी घटना के बारे में क्या जानकारी मिली है? किस तरह से ये घटना घटी और उसके बाद जो महिला बता रही है उसके बयान के आधार पर आप क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? धोमे साहब, क्या आवाज आपको मेरी मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए ये वो तस्वीर है जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। डिवाइडर के पास कुछ लोग आपको खड़े नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये रास्ता क्रॉस करने के लिए, सड़क पार करने के लिए यहां पर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि वाहनों की आवाजाही कम होती है तो ये सड़क पार करेंगे, लेकिन इस बीच एक गाड़ी आती है, डिवाइडर पर चढ़ जाती है और इसकी वजह से हादसा हो जाता है। 5 लोग इस हादसे के शिकार हो गए। नितिन पटोले जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, किस तरह से यह घटना घटी और जो महिला बता रही है उसके आधार पर ही पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया है या फिर इस कहानी में कोई और पेच भी है? देखिए, ये महिला जो है जो कार चला रही थी उसके ऊपर कल रात देर रात FIR दाखिल किया गया है और ये महिला भी खुद जख्मी थी, इसलिए उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये जो महिला है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और उसको हिरासत में लिया है। और ये जो हादसा हुआ है उसमें अब तक 2 लोगों की मौत हुई है और ये 3 लोग उसमें सीरियस एक गंभीर जख्मी है और पुलिस ने इस महिला को अरेस्ट किया है। उसके ऊपर 304 सदोष मनुष्य वध का गुनाह दाखिल किया गया है। हालांकि जो रिलेटिव्स है, यहाँ के स्थानीय लोग है, उनका कहना था कि इसके ऊपर खून का या हत्या का मामला दर्ज किया जाए। और ये जो महिला है ये एक बिजनेस बिल्डर से रिलेटिव है, बिजनेस बिल्डर की रिलेटिव है, इसलिए इस मामले में पुलिस के ऊपर
दवा भी लाया जा रहा है, ऐसा ये जो मौतें हुई है, जो लोग उसमें मारे गए हैं उसके रिलेटिव्स का कहना है। जी नितिन, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, एक तरफ से उसमें कार के शीशे चढ़े हुए हैं, यानी कि जो विंडोज हैं वो बंद हैं, तो क्या महिला जब गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो अंदर एसी नहीं चल रहा था, या फिर एसी बंद करके महिला गाड़ी चला रही थी इसलिए वो गर्मी की वजह से बेहोश हो गई? देखिए, ये जो रोड है बानेर रोड, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहती है, और ये जो महिला है, ये जो लोग थे जो रोड क्रॉस कर रहे थे, वो डिवाइडर के ऊपर खड़े हुए थे, हालांकि ये डिवाइडर की हाइट ऊंचाई जो है वो भी बहुत कम है, तो ये महिला जो गाड़ी चला रही है वो भी बहुत स्पीड में थी, ज्यादा ओवर स्पीडिंग के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, और जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है ये ओवर स्पीडिंग, और वहां पर छोटा सा टर्न था इसलिए महिला गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाई और ये सीधा ये डिवाइडर के ऊपर चली गई और ये लोग जख्मी हो गए। पुलिस का ये कहना है कि जो मामला सामने आ रहा है ये ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद अभी ये जो महिला कल जो फोटो वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, तो ये जो कार चला रही थी महिला, शॉप है उसका नाम है, तो वो जख्मी कहीं से भी जख्मी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और वो अरेस्ट टालने के लिए उसमें उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, ऐसा भी आरोप किया गया था। लेकिन ये हादसा जो है, जो एक्सीडेंट हुआ है, ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।